ज़िंदगी कैफेटेरिया जैसी है। आप अपनी ट्रे लेते हैं, अपनी पसंद की खुराक मुंतखब करते हैं और दूसरे सिरे पर जाकर पैसे अदा करते हैं। जब तक आप कीमत अदा करने पर आमादा हैं, आप हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। अगर आप कैफेटेरिया में इस बात का इंतज़ार करेंगे कि लोग आपको खाना ला कर दें, तो आप हमेशा इंतज़ार ही करते रहेंगे। ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। आपको कामयाबी का इंतखाब करके उसकी कीमत अदा करना होती है। अगर आप कामयाबी की कीमत अदा नहीं करते तो आपको कामयाबी नहीं मिलती। मंजिल इत्तफाकी मामला नहीं है, ये इंतखाब का मामला है। इसका इंतज़ार नहीं किया जाता, इसे तो हासिल किया जाता है। ज़िंदगी इंतखाब से कैसे भरी हुई है। जब हम बहुत ज़्यादा खाते हैं तो हम मोटा होने का इंतखाब करते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा शराब पिएं तो अगले दिन सर दर्द का इंतखाब करते हैं। अगर हम शराब पीकर कार ड्राइव करें तो हम हादसे में मारे जाने या किसी को मार देने का इंतखाब करते हैं। जब हम लोगों से बदसलूकी करते हैं तो बदले में बदसलूकी का इंतखाब करते हैं। जब हम लोगों का ध्यान न रखें तो हम इंतखाब करते हैं कि लोग भी हमारा ध्यान न रखें। जब हम सिगरेट जलाते हैं तो हम कैंसर का इंतखाब करते हैं। हर इंतखाब का एक नतीजा होता है। सबसे अहम बात समझने की यह है कि हम इंतखाब करने में तो आज़ाद हैं, लेकिन इसके बाद इंतखाब हम पर हावी हो जाता है। हमारे पास तब फिर मजीद कोई इंतखाब नहीं होता। मुस्बत इंतखाब कामयाबी कहलाता है, जबकि मनफी इंतखाब नाकामी कहलाता है। ज़िंदगी का मवाजना कुम्हार से भी किया जा सकता है, जो मट्टी से अपनी मर्ज़ी की शक्लें बनाता है। हम भी अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल सकते हैं। हम जिस तरह का इंतखाब करते हैं, हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल वैसी है।